हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो को हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, ध्रुव रठी की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है इज अखंड भारत पॉसिबल, अखंड पॉसिबल भारत, सरदार पटेल। अच्छा, अखंड भारत। अखंड भारत बेसिकली जितना मुझे पता है, इंडिया इंडिया जो अखंड अफगानिस्तान जो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे रहते हैं सारे। मतलब नहीं, अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सारे के सारे कंट्रीज मिला के एक कंट्री को जो कहते हैं कि अखंड 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 भारत। कहते हैं भारत। कि ये पूरा एक इंडिया, मतलब पूरा एक भारत है। ये उस पे है बेसिकली। वीडियो पुरानी है, ध्रुव राठी की वीडियो है, तो सजेस्टेड वीडियो है, तो लेट्स को देखते हैं। अखंड भारत से रिलेटेड वैसे मेरे अंदर भी काफ़ी सारे सवाल थे कि ये चीज़ें पॉसिबल है और किस तरीके से ये चीज़ों को देखते हैं इंडियन पॉलिटिशियंस भी हैं और वो सारे की सारी चीज़ें। तो वीडियो ध्रुव राठी की है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। मतलब इस तरह फजूल की वीडियो नहीं होने वाली, लाजिम से आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। और आप लोगों का जो भी ओपिनियन हुआ लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर, तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं हम भी अपना ओपिनियन लास्ट में या दरमियान में कहीं ना कहीं देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, बहुत से लोग हाँ, इसकी बात करते हैं, कुछ लोगों का ये एक सपना भी है, लेकिन रियलिस्टिकली बात करें तो क्या ये पॉसिबल भी है? अगर हाँ तो किस तरीके से, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ लोग फादर ऑफ अखंड भारत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया, जिससे आज का भारत बना। लेकिन अखंड भारत का मतलब आज से मतलब भी अखंड ज्यादा बड़ा भारत। भारत है, जिसकी बाउंड्रीज आज के इंडिया की बाउंड्रीज से ज्यादा बाहर निकलती हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या है अखंड भारत की डेफिनेशन, क्या है इसका नक्शा, वो डिपेंड करता है जिससे आप पूछोगे। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है आज का इंडिया प्लस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया का ऑफिशियल मैप दर्शाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है 1947 के पार्टीशन से पहले का भारत, यानी इंडिया प्लस आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके अखंड भारत को बनाएंगे। तीसरा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी इंक्लूडेड है। और चौथा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज हैं अफगानिस्तान से लेकर ना सिर्फ तिब्बत तक, बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक। सुनने में अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा दोस्तों, ये ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि मैं इसे सपोर्ट भी करता हूं। जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे पॉसिबल है और मैं क्यों सपोर्ट करता हूं इसे। क्यों का जवाब तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर ये सारे देश यूनाइटेड रहेंगे एक कंट्री की तरह, तो इन सब में भारी स्केल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हर देश आत्मनिर्भर होने के बारे में नहीं सोचेगा, हर देश जिस चीज में अच्छा है उसमें स्पेशलाइज करेगा, और इन सारी कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं, कोई कस्टम्स नहीं। इससे हर देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा आसानी से हो पाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन देशों के बीच में दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तो मिलिट्री पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, वहां पर पैसा बचेगा जिसको स्पेंड किया जा सकता है ज्यादा काम की चीजों में, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी एजुकेशन, चीजों में। हेल्थ साथ केयर। ही साथ बॉर्डर्स नहीं होंगे, तो आप छुट्टी मनाने लाहौर से लेकर इंडोनेशिया तक जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीजा की चिंता करें। तो फायदे तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि कैसे पॉसिबल है ये करना। अब जो लोग आमतौर पर अखंड भारत की बात करते हुए दिखते हैं आपको सोशल मीडिया पर, वो बड़े यही बात मैं अगर किसी और इंसान के मुंह से सुनता ना, अब ध्रुव राठी है ना, इसकी बात मतलब कुछ सेंसेबल होती है, मतलब बहुत तरीके से बात बता तरीके रहे से हैं। बात। तो अब कुछ ऐसे और भी लोग हैं, यूट्यूबर्स इंडिया में हैं, जो कि मतलब इस बात को इस तरीके से बढ़ावा दे के बात करते हैं, जैसे कि ये एक नेगेटिव चीज़ है। आप इसको पॉजिटिव वे में भी पॉजिटिव वे आप में बता सकते हो, और कितने पॉजिटिव वे में ये सारी की सारे फैक्ट्स पे बात हो रही होती है। क्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सोल्यूशन होता है, इंडिया सुपर पावर बनेगा, जंग पर जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, उन्हें जंग में हराएगा और कब्जा कर लेगा उनकी जमीन पर, और ऐसे बनेगा हमारा अखंड भारत। लेकिन थोड़ा सा आप सोचकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सोल्यूशन ना सिर्फ अनएथिकल है, इनह्यूमेन है, इंसानियत के अगेंस्ट है, बल्कि स्टूपिड भी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पहली चीज तो आप किसी की जमीन पर कब्जा करोगे, उन लोगों को बंदी बनाओगे, उन लोगों पे अपनी विल थोपोगे, ये अनएथिकल चीज है। इंसानियत के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि किसी भी तरह की जंग होगी तो हजारों लाखों लोगों की मौत होगी, इसमें लोग अपनी जान खोएंगे। और स्टूपिड इसलिए है क्योंकि इतिहास गवाह है, राजा महाराजाओं ने करने की कोशिश की है हजारों सालों से, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन नहीं इन रहा। सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपके लिए एक देश के मायने क्या है। जब मैं कंट्री शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है?
दो सेकंड तक जरा सोचकर देखिए, जब मैं कहता हूं कि आप अपने देश के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्या आपके दिमाग में जमीन आ रही है, फॉरेस्ट आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, देश के खेत आ रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में देश के लोग आ रहे हैं, देशवासी आ रहे हैं? बड़े शर्म की बात होगी अगर आप एक देश को इमेजिन कर रहे हैं बिना देशवासियों के, क्योंकि जब आप अपने घर के बारे में सोचते हैं तो बिना अपने घर वालों के सोचते हैं क्या? आपके लिए आपके घर के मायने क्या हैं बिना अपने घर वालों के? बिना घर वालों के घर एक सिर्फ बिल्डिंग है और किसी भी बिल्डिंग से उसे रिप्लेस किया जा सकता है। जब हमारी आर्मी हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है उसका मतलब क्या है? वो हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। टेरिटरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जमीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसी रीजन से दोस्तों अखंड भारत का मतलब ना सिर्फ अनडिवाइडेड टेरिटरी है बल्कि अनडिवाइडेड लोग भी हैं, अनडिवाइडेड देशवासी। आज के दिन जैसा आप अपने पड़ोसी को ट्रीट करते हो वैसे ही आपको एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी, एक मलेशियन और एक इंडोनेशियन को भी ट्रीट करना पड़ेगा। जितने राइट्स आज के दिन हर देशवासी को मिलते हैं उतने ही राइट्स आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन, मलेशियन को भी मिलेंगे। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि कभी भी आप किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या मलेशियन से उनके डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं छीन सकते। तो सही मायनों में अखंड भारत तभी बन सकता है जब इन सारे देशों में कम से कम एक मेजॉरिटी एग्री करे कि हम अखंड भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। ये करने के लिए पहली स्टेप होगी इंडिया और पाकिस्तान को रीयूनाइट करना। एक एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस काटजू, शायद आपने ऑलरेडी नाम सुना हो। इन्होंने 2012 में एक इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन बनाई थी जिसका एम एग्जैक्टली यही है। इन्होंने कहा है कि ये रीयूनाइट करना चाहते हैं आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को अंडर कॉमन सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर ऑल पीपल। इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश ने अपने टाइम पर लोगों में बंटवारा किया, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, जिसकी वजह से ये पार्टीशन हुआ। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ सजेस्ट किया गया हो दोस्तों। अगर दो जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट हो सकते हैं, अगर दो वियतनाम रीयूनाइट हो सकते हैं एक वियतनाम में, तो इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं रीयूनाइट हो सकता? और ऐसा भी नहीं है कि हमें एक ही सरकार बनाने की जरूरत है जैसा जस्टिस काटजू सजेस्ट करते हैं। ये चीज तीन देश तीन सरकारों के साथ भी पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो ये यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के मॉडल पे काम कर यूनियन सकता है। मतलब एक हर देश की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके बाद एक यूनियन बनी भी होती है और वो यूनियन के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। मतलब उस ये एक पूरा एग्जिस्ट करेगी लेकिन उसके ऊपर एक और सरकार बनाई जाएगी जहां पर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉमनली बैठकर एक सरकार बनाएंगी। यूरोपियन यूनियन में क्या है कि आज के दिन फ्रेंच पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट और इटालियन पार्लियामेंट आज भी वैसे ही एग्जिस्ट करता है जैसे यूनियन के बनने से पहले करता था, लेकिन आज जब यूनियन बनाया गया है तो एक यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट और एक्स्ट्रा इनके ऊपर एड हो गया है। और इस यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की कैसे इलेक्शंस होती हैं? अलग से इलेक्शंस होती हैं जो कि हर देश में करवाई जाती हैं। यानी जनता यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के मेंबर्स को सेलेक्ट करती है और अलग से इलेक्शन में अपने जर्मन पार्लियामेंट, फ्रेंच पार्लियामेंट के मेंबर्स को सेलेक्ट करती है। तो इनका यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट एक हाउस बन जाता है और दूसरा हाउस इनका बनता है काउंसिल से, जहां पर जर्मन सरकार, फ्रेंच सरकार और इटालियन सरकार के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स एक साथ बैठते हैं, काउंसिल को बनाते हैं। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के लेवल पे एक तरह से दो हाउसेज हो गए, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होते हैं वैसे ही यूरोपियन यूनियन के लेवल पे दो हाउसेज हो गए। सेम चीज करी जा सकती है एशियन यूनियन के साथ। आप अखंड भारत को एशियन यूनियन भी नाम दे सकते हो, जहां पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी एक एशियन पार्लियामेंट बनाए और सिमिलर लेवल पे काम करें। और ये चीज ना सिर्फ यूरोप में है बल्कि अफ्रीका में भी एग्जिस्ट करती है, एक अफ्रीकन यूनियन एग्जिस्ट करता है। हालांकि अफ्रीकन यूनियन इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है एक दूसरे से जितना यूरोपियन यूनियन है। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में बॉर्डर्स अभी भी हैं, यूरोपियन यूनियन में कोई बॉर्डर्स नहीं है, आप बॉर्डर पे क्रॉस कर सकते हो बॉर्डर से क्रॉस कर सकते हैं बिना वीजा। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है दोस्तों कि आज के दिन जो लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं अखंड भारत के बारे में, वही लोग सबसे बड़ी दरार बन के खड़े हैं अखंड भारत के बीच। कौन है ये लोग? ये लोग हैं हमारे कुछ नेताओं की तरह जो कहते हैं कि लड़कियां इस तरह की जीन्स नहीं पहन सकती, अगर ये लड़का लड़की हिंदू मुस्लिम है, अलग धर्म के हैं, तो एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, हम ये करना उनके लिए और मुश्किल कर देंगे। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कहते हैं कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रखना ये बात।
कोई ऐसा सो कॉल्ड प्रीस्ट है हमारे देश में जो कहता है कि हमारे पुराने प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम एक जिहादी थे। हमारा ये गोदी मीडिया है और कुछ पार्टी के आईटी सेल हैं जो दिन भर भड़काऊ हेडलाइंस चलाते हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम करते हैं। अरे मतलब कुछ नेता ही है हमारे जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग संस्कृति है, एक देश में नहीं रह सकते। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं, ये टक्कर। अच्छा, इसके लिए हमारा मीडिया ही इस तरह का है ना, मीडिया और वो, हाँ मतलब इसने ये बोला है ना कि मीडिया और पॉलिटिशियंस दोनों मिल के ये जहर उगल रहे हैं बेसिकली। होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती इसलिए इसका विभाजन असंभावी है, अवश्य होना चाहिए। मतलब अपने देश में ही अभी जो एग्जिस्टिंग भारत है उसी में ही तुम दूसरों की बिलीफ्स एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, टॉलरेंस नहीं सीखोगे, तो क्या तुम अखंड भारत बनाओगे? अब भारत के इतिहास में भी ऐसे लोग थे जैसे कि सावरकर और गोलवलकर जो अखंड भारत की बात तो करते थे लेकिन अखंड हिंदू राष्ट्र के सेंस में। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी ये मैंने आपको हिटलर वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी ये फाउंडेशनली ही ऊंच नीच पर आधारित है कि यहां पर हम प्योर ब्लड के लोग हैं, यहां पर सब ह्यूमन कैटेगरी के लोग हैं जो हमसे नीचे हैं। आपको ये नाना पाटेकर की फिल्म का ये डायलॉग याद है? वैसे ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता साले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? अब ये जो हिटलर, सावरकर और रहमत अली जैसे लोगों की विचारधारा थी इसमें खून से फर्क पड़ता है। इन लोगों के लिए कुछ खून बड़ा प्योर था, कुछ खून बड़ा हिटलर, खून बड़ा ने सच्चा था, कुछ खून बड़ा झूठा था। वैसे ये जो हिंदू राष्ट्र का टॉपिक है ये अपने आप में ही बड़ा इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड टॉपिक है। आप कहते हो तो इस पर मैं अपना एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हो आप। लेकिन जैसे ये अखंड हिंदू राष्ट्र का आइडिया था, ऐसी ही एक सिमिलर आइडियोलॉजी और आइडिया पाकिस्तान में भी था अखंड मुस्लिम राष्ट्र का। इसे नाम दिया जाता है गजवाए हिंद, जो कि कुछ इस्लामिक टेररिस्ट प्रपोज। अच्छा, गजवाए हिंद से रिलेटेड बहुत सारे इंडियंस लोगों को, जो कि खासकर हिंदू होते हैं, उन लोगों को इंडियन जो मुस्लिम है उनके साथ रहने वाले दोस्त यार वो भी उनको सही चीज नहीं बताते। देखो मैं आज एक चीज़ इसी वीडियो में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि गजवा, जो गजवा वर्ड है ना, गजवा वर्ड वो बेसिकली यूज़ होता था हमारे जो प्रॉफिट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मतलब टाइम पे, या उनका उस जंग के अंदर होना, मतलब जब वो एक फाइट हो रही है दो ग्रुपों के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान, तो दूसरी साइड पे जिस साइड पे हमारे प्रॉफिट थे जिस जंग में, उसको हम गजवा कहते हैं। उसके बाद अगर आज तक कोई भी जंग होगी या आने वाले टाइम में अगर कोई जंग होगी तो उसको गजवा नहीं कहा जाता। और ये वैसे ही एक नाम दिया हुआ है, ये वाकई एक तरह की ग्रुप्स हैं जिन्होंने गजवा हिंद करके नाम दिया, इस तरह की किसी जंग का नाम और निशान तक नहीं है। करते हैं जो चाहते हैं कि इंडिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर ले और वहां पर भी एक मुस्लिम राष्ट्र एस्टेब्लिश कर ले। एक्चुअली हिंदू राष्ट्र शब्द की जगह मुझे हिंदुत्व राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो लोग सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर वो एक्चुअली में हिंदुत्व राष्ट्र की डिमांड कर रहे होते हैं। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हिंदुइज्म और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुइज्म वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, सारी दुनिया एक समान है, अगर किसी की सोच आपसे नहीं मिलती तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है और टॉलरेंस को प्रमोट किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुत्व में यहां पर एक दुश्मन क्रिएट किया जाता है और अगर किसी की सोच आपसे नहीं मिलती तो जबरदस्ती आप अपनी सोच उन पर थोपते हो। आपके जैसे कपड़े पहने वो, आपके जैसा खाना खाए वो, आपका जो कल्चर है, बिहेवियर है, सब एक समान होना चाहिए, सब उसे फॉलो करें, और अगर कोई नहीं करता तो वो एंटी नेशनल बन जाता है। हिंदुत्व की सोच इतना ज्यादा एक्सक्लूडेड फील कराती है लोगों को कि अखंड भारत तो बहुत दूर की बात है। अगर ये सोच एक हद से ज्यादा डोमिनेट करी अभी के भारत पर तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और देश के और ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं। अनडिवाइडेड रहने की जगह देश में डिवीजन बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि अगर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब अम्बेडकर की इंक्लूसिव और सेक्युलर सोच और विचारधारा को प्रमोट किया देश में, तो ना सिर्फ ये मल्टीकल्चरल देश अनडिवाइडेड रह सकता है बल्कि हम सही मायनों में
अखंड भारत भी बना सकते हैं बाकी देशों के साथ मिलकर। एग्जैक्टली ये यूनिफिकेशन पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, ये बताने के लिए मुझे एक और वीडियो का समय लगेगा कम से कम। यार वीडियो बेसिकली बहुत अच्छी थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। मुझे अखंड भारत से रिलेटेड कुछ चीज का जो जस्ट मुझे मैप वगैरह का पता था, और इसके अंदर बेसिकली एक आइडियोलॉजी है, मतलब एक आइडिया दिया हुआ है कि यार किस तरीके से अगर बनाना चाहो भी तो किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये वैसे एक अच्छे ऑप्शंस हैं, बट अभी फिलहाल तो इंडिया इतना फास्ट ग्रोइंग है कि इंडिया को जरूरत नहीं है। अगर इंडिया इससे भी ज्यादा फास्ट ग्रो करना चाहता है तो उसके लिए ये सारे इनिशिएटिव मतलब इस तरीके काम कर सकता है। बट फिलहाल अगर देखा जाए ना तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं, मतलब एक ऐसा तरीका है। और बाकी अंग्रेजों ने इसीलिए अलग किया था कि मतलब एक वो हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाइयाँ लड़वा के और ये सारी चीज़ें कर कर आके अलग किया था कि ताकि इन चीज़ों से आगे बढ़ ही ना पाए। तो बट आज इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया इन सारी चीज़ों से निकल चुका है, आगे की तरफ बढ़ चुका है। अगर बांग्लादेश को देखा जाए वो इन चीज़ों से आगे बढ़ चुका है। तो पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कुछ हमारे जो मौलवी हैं, मौलवी कुछ पॉलिटिशियंस जो कि इन चीज़ों से आगे हमें बढ़ने ही नहीं देते, और कुछ हमारे फिर कुछ इदारे ऐसे आ जाते हैं, कुछ हमारे ऊपर मार्शल लॉज ऐसे लगे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। बट आने वाला टाइम देखो किसके लिए कितना बेहतर होता है और अखंड भारत कितनी पॉसिबिलिटीज़ वाली चीज़ है। तो खैर आप लोगों का जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।